नई सरकार से किसानों को राहत देने वाली अच्छी खबर मिलेगी, ऐसी बात विकास ठाकरे एओ ने कही है। इसी बात को लेकर हमने उनसे बात की है। पेशे विकास ठाकरे, इनका कथन। मैं विधायक विकास ठाकरे अपने साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आज का शीत सत्र का लास्ट और छठवा दिन है, क्या आज सभागृह में विदर्भ के मुद्दों को लेकर कुछ बातचीत होगी या कुछ लक्ष्य विधि आप रखने वाले हो? मुझे लगता है कि पहले ये सभीवेशन के दो दिन हमारे बेकार गए। इस दो दिन में अगर कुछ कामकाज होता तो और मुद्दों के ऊपर ध्यान हमारे आमदार आकर्षित कर सकते थे। मेरी बात कहेंगे तो मैंने इस नागपुर शहर के जो विषय थे, पांच विषयों पर सभागृह का ध्यान आकर्षित किया और विदर्भ का ऊपर जो चर्चा थी तो विदर्भ में जो मिहान जो महत्वाकांक्षी प्रकल्प आने जा रहा था और पिछले साल से उस मिहान प्रकल्प में कुछ भी नहीं हुआ। पिछली सरकार ने हमें सपने दिखाए थे कि पाँच साल में मिहान में इतने उद्योग धंधे आ जाएंगे और यहाँ की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिहान जैसे कि वैसा है, एक जंगल की तरह इस मिहान को बना दिया हुआ है, लोगों की जमीन एक्वायर की है और पिछले पाँच साल में उस मिहान में कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। रामदेव बाबा जी को जो जमीन दी थी वो जमीन भी वैसी ही पड़ी है और मुझे लगता है कि विदर्भ की सरकार रहने के बाद पिछले साल पाँच साल में कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने सभागृह का ध्यान आकर्षित करते हुए अगर विदर्भ में डेवलपमेंट करना है, विदर्भ में बेरोजगारों को रोजगार देना है तो मिहान के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसी विदर्भ की चर्चा के ऊपर मैंने सभागृह का ध्यान आकर्षित किया और बहुत से मुद्दों पर भी लक्ष्य वेदी और पुरानी सूचनाओं पर इस शहर की समस्या रखी। किसानों के मुद्दों को लेकर क्या कहोगे? 25,000 हेक्टर मुआवजा देने की मांग की गई है, अब आपकी सरकार सत्ता में है। मुझे लगता है किसानों को जो मुआवजा देने की बात है और हमारे मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे जो बांध पर गए थे और मुझे लगता है कि कोई ना कोई घोषणा वो करेगी, मगर मुझे अचंभा होता है कि जो लोग किसानों को मुद्दे की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जिनका इनका जो विधानसभा सत्र का कामकाज था वो कुछ मुद्दे पर बंद किया। पहले दिन क्यों नहीं किसान इनको याद आया? पहले दिन क्यों वीर सावरकर इन्हें याद आए? ये भी एक सोचने की बात है। विधानसभा का दो दिन का कामकाज चलने नहीं देना, यह इनका मुख्य मकसद था और किसानों के लिए जितनी हितैषी यह महाआघाड़ी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, उससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकती। आने वाले दिनों में आप रिजल्ट देख लेंगे। क्या आज किसानों को खुशखबरी मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी किसानों को खुशखबरी दे सकते हैं। विकास ठाकरे द्वारा भी हमने बातचीत की है, कहा गया है कि हाँ, किसानों को आज खुशखबरी मिल सकती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, INBCN न्यूज़ नागपुर।